एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट अबाउट आइदर रो और कॉलम बी गेट सेम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. ओके, बी गेट सेम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम मिलता है, आइदर यू एक्सपेंड इट अबाउट रो और अबाउट एनी कॉलम. ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज, सो व्हाट इज द नेक्स्ट वन? नेक्स्ट वन इज, देयर इज ए वन मोर टाइप ऑफ द मैट्रिक्स. सो इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स. सिंगुलर मैट्रिक्स, सो व्हाट इज द सिंगुलर मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स, अ स्क्वायर्ड मैट्रिक्स. व्हाट इज द नेसेसिटी? द मैट्रिक्स इज स्क्वायर, बिकॉज इफ द मैट्रिक्स इज नॉट स्क्वायर देन यू कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. अ मैट्रिक्स विच इज स्क्वायर सेट टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू वॉट? जीरो. इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो देन द मैट्रिक्स इज सेट टू बी सिंगुलर. आई एम टेकिंग एग्जाम्पल लाइक डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मैट्रिक्स है मेरे पास, एक मैट्रिक्स है 2, 4, -1, ओके, एंड -2. ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास. नाउ फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट, तो 2, 4, -1 एंड -2, तो ये कितना हो जाएगा? -4, -4, सो वैल्यू इज वॉट? 0. सो डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज वॉट? 0. इट मीन्स A is singular, determinant नहीं, not a determinant of A, but A is what? Singular. जो A है वो कैसी matrix है? Singular matrix. Okay, keep it up, I will check again. Okay, I will check right now. Okay. So what is that? A is singular. चलिए एक example आपको दे रहे हैं. Check whether वेदर ए इक्वल टू -1, 0, 2, 6, 1, 5, -5, 2, 1 इज सिंगुलर और नॉट. सिंगुलर और नॉट, दैट इज योर होमवर्क, डू योर सेल्फ. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. सो व्हाट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स? व्हाट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स नेसेसरली स्क्वायर मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स विच इज स्क्वायर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो. If determinant of A is not equal to 0, then A is non-singular. Means, if the determinant of any square matrix is non-zero, then it is non-singular. It is non-singular. So, let me check. मैं एक 2 cross 2 का example ले रहा हूँ. मेरे पास matrix है 5, 3, minus 1, 2. Whether it is singular or non-singular. So 5, 3, minus 1 and 2. So what will the determinant? 5, 2 is a 10, minus 3. So what is that? 13. 13 is not equal to 0. If 13 is not equal to 0 means A, not determinant of A. A is non-singular.
अगर नॉन सिंगुलर है तो कौन है? मैट्रिक्स इज द नॉन सिंगुलर, मैट्रिक्स इज द नॉन सिंगुलर, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो कैसी है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। चलिए नाउ लेट लेट मी प्रूव वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। और वन मोर प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट क्या है जिसको हम यूज करने वाले हैं, ठीक है, यूज करने वाले हैं, वो ये है कि टेक द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट वन इज इफ ए इक्वल टू ए एंड बी, बी टू स्क्वायर मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस, देन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इट इज, वी विल यूज इट वेरी फ्रीक्वेंटली, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस सेपरेटली, यानी कि दोनों मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लाई करें, उसका डिटर्मिनेंट लें, तो ये किसके इक्वल होगा? दो मैट्रिक्सों के डिटर्मिनेंट के, अलग अलग डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सबसे सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ। लेट मेरे पास एक है मैट्रिक्स 2, 3, -1, 5, ओके, देयर इज वन मोर मैट्रिक्स इज देयर और ये है -2, 3, 1, 6। चलिए तो मैं LHS के लिए पहले क्या करूंगा, A इंटू B करने वाले, A इंटू B, तो 2, 3, -1, 5, 2, 3, -1 इंटू 5, -2, 3, 1 और कितना 6। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 2 इंटू -2, -4, 3 इंटू 1, 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 3, 6, 3 इंटू 6, 18, नेक्स्ट वन इज सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो -1 इंटू -2 मीन्स 2, 5 इंटू 1 मीन्स कितना 5, सेकंड रो सेकंड कॉलम तो -3, 5, 6, 30, हियर इज -1, हियर इज 24 एंड हियर इज 7 एंड हियर इज 27, ओके। नाउ आई एम फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, सो व्हाट विल द डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, -1, 24, 7 इंटू 27, सो -1 इंटू 27, -7 इंटू 24, दैट विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी। नाउ फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए एंड बी, सो व्हाट इज ए, ए इज 2, 3, -1 एंड 5, हियर इज -2, 3, 1 एंड 6, सो व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, 10, -3 एंड हियर इज -12, -3, सो हियर इज व्हाट 13 एंड हियर इज व्हाट -15, सो द वैल्यू विल बी आई थिंक 225, एंड वेन यू विल सॉल्व दिस वन देन करंटेड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए बी इक्वल टू -225, बट यू हैव टू मल्टीप्लाई योर सेल्फ, दैट इज नॉट माई वर्क, ओके, सो यू विल फील दैट हियर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इन प्रीवियस लेक्चर्स वी ऑलरेडी यूज दिस प्रॉपर्टी, पहले लेक्चर्स में हमने इस प्रॉपर्टी को यूज किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट है